नमस्कार, सविताज गार्डन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं डेफिनबेकिया प्लांट के बारे में बात करूंगी। इसे डमकेन प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं जो हमें आकर्षित करती हैं। अगर हम नर्सरी में कोई भी पौधा लेने जाते हैं तो ये पौधा हमें दूर से ही बहुत सुंदर लगता है और हम ये पौधा खरीद करके ले आते हैं। और ये पौधा बेस्ट इंडोर प्लांट है, ये हमारी एयर को प्योरीफाई करता है। वैसे तो इसे आउटडोर भी रख सकते हैं जहाँ इसे सीधी धूप ना मिले। ये एक लो लाइट प्लांट है और ये प्लांट जो है परमानेंट प्लांट है, पूरा साल बारहमासी पौधा है, पूरा साल आपके गार्डन को हरा भरा बनाए रखेगा। लेकिन एक खास बात इस पौधे की मैं आपको बता देती हूँ, जो इसकी पत्तियाँ हैं वो जहरीली होती हैं, तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या पालतू जानवर हैं तो इस पौधे को थोड़ा सा दूर रखिए। अब आगे हम अपनी वीडियो में बात करेंगे इस पौधे के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, धूप कैसी हमें इस पौधे को देनी है, फर्टिलाइज़र कैसे देना है और इस पौधे को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। ये सारी बातें हम अपनी वीडियो में करेंगे। अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए अपने वीडियोस के मेन पॉइंट्स को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉट साइज। इसके लिए हम 10 से 12 या 12 से 14 इंच तक का पॉट हम अपने पौधे के लिए ले सकते हैं। उसमें ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करता है। याद रखिए, पॉट के अंदर, प्लांटर के अंदर ड्रेनेज होल होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर पौधा ज़मीन में लगा है तो एक्स्ट्रा पानी, कम पानी नीचे निकल जाएगा, अपने आप पौधा एडजस्ट कर लेता है। लेकिन जब हमारा पौधा गमले में लगा है तो एक्स्ट्रा पानी निकलने के लिए उसे जगह देनी ज़रूरी है। उसके लिए ड्रेनेज होल का होना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे मिट्टी की। इस पौधे के लिए वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए। मिट्टी जो है कैसे बनाएंगे हम इसकी, हम उसमें 30% मिट्टी लेंगे, 30% हम उसके अंदर कंपोस्ट डालेंगे। कंपोस्ट में आप किचन कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट, आपका गोबर खाद जो है वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। और 40% इसके अंदर हम रिवर्स ऑयल डालेंगे ताकि जो मिट्टी है वो बहुत ही हल्की रहे और पानी की निकासी उसके अंदर बनी रहे, क्योंकि इस पौधे को बहुत ज़्यादा पानी पसंद नहीं होता है। अगर आपकी मिट्टी चिकनी है तो मिट्टी के अंदर कभी भी रिवर सैंड या फिर कंस्ट्रक्शन वाली जो रेत होती है कभी भी वो ऐड ना करें, क्योंकि वो आपकी मिट्टी बिल्कुल एकदम सीमेंट की तरह हो जाएगी। इसके अंदर क्ले सॉइल, चिकनी मिट्टी अगर आपकी है तो उसके अंदर कोकोपीट ऐड करें। लेकिन ध्यान रखिए, जब आप कोकोपीट ऐड कर रही हैं तो पानी का भी हमें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कोकोपीट पानी को लंबे टाइम तक अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखता है, काफ़ी लंबे टाइम तक नमी उससे बनी रहती है। तो हमें पौधे को पानी का इंटरवल भी है वो भी हमें बढ़ा देना है। अब बात करेंगे पानी की। तो हमारा जो ये पौधा है ये ओवर वोटरिंग से मर भी सकता है, क्योंकि इसका जो स्टेम होता है वो बहुत मोटा होता है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इतना मोटा स्टेम इसका होता है जो गुद्देदार होता है। अगर इसकी मिट्टी में पानी ज़्यादा रहेगा तो धीरे धीरे वो गलने सड़ने लगेगा और जो है हमारा पौधा धीरे धीरे मर जाएगा। तो इस पौधे को हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। हम इसे हफ्ते में 2 बार पानी देंगे और जब भी हम पानी देंगे उससे पहले चेक कर लेंगे कि मिट्टी की ऊपरी परत जो है सूखी होनी चाहिए, उसके बाद ही पौधे को पानी देंगे। और सर्दी में तो पानी का इंटरवल और भी कम कर देंगे, क्योंकि सर्दी में इसकी पानी की रिक्वायरमेंट और भी कम हो जाती है। नमी, इसकी मिट्टी को हल्की सूखी नमी वाली मिट्टी जो है बनाए रखें, बहुत एकदम गीली मिट्टी इसकी नहीं रखनी है। इसके बाद बात करेंगे धूप की। तो धूप इस पौधे को पसंद नहीं है। देखिए मैंने भी अपना पौधा थोड़ा धूप, हल्की धूप इसे जहाँ मिल रही थी वहाँ रख दिया था, तो ये देखिए इसकी पत्तियाँ जो है हल्की हल्की जलने लग गई थी, ये देखिए। तो मैंने अब अपने पौधे को थोड़ा सा शेड की तरफ शिफ्ट किया है। तो आपको भी ऐसे ही अपने पौधे का ध्यान रखना है। इस पौधे को ऐसी जगह पर रखिए जहां पौधे को इनडायरेक्ट लाइट मिले, बहुत ज़्यादा इसे ब्राइट लाइट की ज़रूरत
बहुत ज्यादा तेज धूप की, सीधी धूप की इस पौधे को जरूरत नहीं होती है। जैसे अगर आप घर के अंदर रख रहे हैं तो इस पौधे को खिड़की के पास रखिए। ह्यूमिडिटी मेन है, ह्यूमिडिटी इस पौधे की बनाए रखना। ह्यूमिडिटी बनाए कैसे रख सकते हैं आप, या तो ह्यूमिडिटी ट्रे रख सकते हैं पौधे के नीचे। कुछ थोड़े से पत्थर लीजिए, पौधे ट्रे के अंदर डाल दीजिए, फिर उसके अंदर पानी भर के आप रख सकते हैं। या फिर पौधे को जो है पौधों के झुंड के बीच में रखिए, या फिर आप कोई पानी का बर्तन, किसी बर्तन में पानी भर के रख सकते हैं पौधे के साथ। तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे पानी इवेपोरेट होगा तो वो इसके चारों तरफ जो है ह्यूमिडिटी बनाएगा। तो इस तरीके से आप अपने पौधे की ह्यूमिडिटी बना सकते हैं। और गर्मी के मौसम में क्या करेंगे, पौधे के ऊपर पानी का स्प्रे करेंगे। पानी देने के अलावा पौधे में सुबह शाम पानी का स्प्रे करेंगे। इसकी पत्तियां देखिए बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो हमें क्या करना है, पौधे की पत्तियों को साफ करना है। इस पौधे में जो है फूल भी आते हैं, लेकिन वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसके जो फूल हैं वो पीस लिली के जैसे दिखते हैं। अब हम बात करेंगे कि इस पौधे को जो है फर्टिलाइजर हमें कब कब देना है। सर्दी में इसे कोई बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं होती है। आप धीरे धीरे जैसे एक एक डेढ़ डेढ़ महीने बाद इसे लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं। आप अपने घर का बनाया हुआ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अपने पौधे को दे सकते हैं। थोड़ा सा नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर आप देंगे तो ये पौधे की ग्रोथ पे बहुत ही अफेक्ट रहेगा उसका। आप देखेंगे आपके पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी रहेगी। अगर आपके पौधे पर कोई भी एपिड्स या स्पाइडर माइट्स का अटैक अगर देखने को मिलता है, वैसे तो हम बीच बीच में जैसे स्प्रे करते रहते हैं तो इसकी पत्तियां धुलती रहती हैं, इस पौधे पर ऐसा कोई अटैक देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा है तो आप अपनी स्प्रे बोतल में 2-3 बूंद ऐसे शैम्पू की डाल करके उससे अपने पौधे पर स्प्रे कर देंगे। या फिर नीम का पानी जो मैंने एक वीडियो में बनाना बताया था, अगर वो नीम का स्प्रे अगर आप अपने पौधे पर कर देंगे तो आपका पौधा हर प्रकार की बीमारियों से बचा रहेगा। अब बात करेंगे हम प्रोपगेशन की, कि इस पौधे को मल्टीप्लाई कैसे किया जा सकता है। इस पौधे को कटिंग से मल्टीप्लाई किया जा सकता है और रूट डिवीजन मेथड से भी इस पौधे को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। इस तरह आप एक पौधा ला करके बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। प्रॉपर इसका प्रोपगेशन कैसे करना है, अपने पौधे को कैसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए मैं एक और वीडियो शेयर करूंगी। मेरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।